हेलो, आज का क्वेश्चन आया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मैं कोई वल्गर बात वगैरह नहीं कर रहा होता। मैं कोशिश करता हूँ आपको इजी लैंग्वेज में वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि हमारे कई लोग जो कई आउट ऑफ कंट्री हैं, अरब कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, और मैं इसलिए वीडियो उनके कमेंट में बनाता हूँ कि वो अपना खुद ही ट्रीट कर सकें, या उनको कुछ मैं हेल्प कर सकूं, या मैं अपने जैसे एक सदका जारी कर रहा होता हूं। और मेरा कोई मीन नहीं होता कोई ऐसी वल्गर बात करूं या किसी को यूं महसूस हो कि मैं आउट ऑफ लिमिट जाके बात करता हूं। मैं एक्चुअली बात करता हूं एज ए साइंस के मुताबिक, वेरी ओपन होके कि जैसे बात होनी चाहिए। इसमें ऐसी मैं कोई बात करता नहीं हूं जिससे किसी को कोई अफेक्ट हो सके। समटाइम कुछ लोग मुझे प्राइवेट में मैसेज करते हैं, ये बोलते हैं कि मैं बहुत ओपन बात करता हूं, तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, मैं ओपन बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ जो क्लियर बात होती है, क्योंकि मुझे नहीं आता कि मैं आप लोगों को वैसे ही सच या झूठ में बात करूँ और उसमें मैं कोई पैसा बनाने की कोशिश करूँ। नो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट बात करता हूँ जिससे आपको बेनिफिट हो सके। चलते अपने टॉपिक पे। आज का क्वेश्चन आया कि उनका पीनिस खड़ा नहीं होता, वो शुगर का मरीज़ हैं, अगर वो माखन या कन्फ्यूजर यूज़ करें तो उससे फ़ायदा होगा, कहाँ से मिलेगा। और सेकंड, आपने बोला कि जी आप मेरा पूरा वीडियो वॉच करते हैं, थैंक यू फॉर दैट। चलते अपने टॉपिक पे वापस। जब आप शुगर के पेशेंट होंगे, नॉर्मल है कि आपका इरेक्शन कम होता है, आपको ईडी का प्रॉब्लम होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, क्योंकि जब आपके शुगर के अंदर ब्लड का काफ़ी सर्कुलेशन होता है, ब्लड काफ़ी मिक्स होता है आपके ब्लड के अंदर, तो जिससे आपका एक इरेक्शन कम होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट होती है कि आपके जो नर्व्स और आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड उसकी कमी होती है, वो उनमें पुअर कम्युनिकेशन होता है, तो उस वजह से आपका इरेक्टाइल का प्रॉब्लम शुरू होता है। इरेक्टाइल समटाइम आपको जेनेटिक भी हो सकता है, समटाइम आपकी अपनी पुअर लाइफस्टाइल से, और मोस्टली ईडी जो कॉस्ट होती है आफ्टर 40 लोगों को होता है, आफ्टर 40-70 आप बोल सकते हैं। मगर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से। फर्स्ट ऑल, इरेक्टाइल किन लोगों को हो सकता है, जिनकी इरेक्शन कम हो, जो ओबेसिटी हो, मतलब फैटी हो, वेट काफ़ी हैवी हो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या फिर कोई ऐसा ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल एक लिमिट से ऊपर जा करते हैं, और एक उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। जब नॉर्मल फास्ट फूड, जंक फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी जो वसल्स होगी वो उनमें गंदी फैट जमा हो जाएगी, आपके खून के अंदर फैट लिपो का इजाफा होगा, तो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, तो उस वजह से आपके सर्कुलेशन भी कम हो सकती है। और लॉन्ग टाइम जब आपको इरेक्टाइल का प्रॉब्लम हो, आपका इरेक्शन अच्छा नहीं आ रहा, तो ये भी एक सिम्टम्स है, ये भी एक साइन होता है कि आपको हार्ट का डिजीज़ होने वाला है। तो अभी जब आपको इरेक्टाइल का प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर व्यू कीजिए, तो आप उससे इसको ट्रीट करें, क्योंकि आगे जाके आपको दिल का स्ट्रोक भी हो सकता है, कोई दिल के और कोई डिजीज़ लग सकती है। तो इरेक्टाइल दिल के साथ काफ़ी रिलेटिव होती है, और इसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑल, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये उन लोगों को भी होता है, इवन आप अच्छा डाइट खा भी रहे हैं मगर आप एक्टिव नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तब भी आपको हो सकता है। एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर स्लीप कीजिए, मोर ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स खाएँ, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी शुगर को रिवर्स करने के लिए। और एक डाइट प्लान बनाएं, एक लाइफ का स्टाइल बनाएं प्रॉपर जिस पर वो चल रहा है। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप डॉक्टर पास जाएंगे अकॉर्डिंग रियल आपके सिचुएशन पे, आपको डॉक्टर्स कुछ ड्रग्स लिख के दे सकता है जिसमें आपको सेल्डना फील होगा जिसको व्याग्रा बोलते हैं, फिर टडाला फील होगा जिसको हम सियालिस बोलते हैं, फिर आपको लवी3 जिसको विडना फील बोलते हैं, ये आपको रिकमेंड कर सकते हैं। समटाइम आपको पम्प्स से भी आपको बेनिफिट होता है, जो आप पम्प करते हैं वो भी आपके इरेक्टाइल को हेल्प कर सकता है, या फिर पिनाल इम्प्लांट्स होता है, आप वो भी हेल्प कर सकते हैं। उससे ये सब चीज़ें करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, लाइफ को चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। और आपको माका के साथ मैं रिकमेंड करूँगा अश्वगंधा लीजिए, अबाउट 4-5-6 माह भी आपको लेना पड़े, आप लें, ये एक नेचुरल वे अपना आपको इरेक्टाइल को कंट्रोल करेंगे, और ये भी हेल्प करेगा आपको आपकी जो शुगर का लेवल उसको भी मैनेज करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और आपके स्ट्रेस को, आपके ब्लड के फ्लू को, एवरी चीज़ को इसको कंट्रोल करेगा, आपके नर्व्स को, आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, नाइट्रो ऑक्साइड का इजाफा होगा आपके ब्लड के अंदर, तो इससे आपका इरेक्शन अच्छा होगा और प्रॉपर जो ब्लड का फ्लू चाहिए आपके पीनिस तक वो पहुंचेगा। और इसके साथ साथ आप
कॉन्फिडो का पूछा, कॉन्फिडो आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फिडो इतना ट्रस्ट नहीं करता, आपको हेल्प कर सकता है, मगर अराक्टल के लिए प्रॉब्लम नॉट, जस्ट नॉर्मल आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन या आपके एक बॉडी को एक एनर्जी का बूस्ट मिल सकता है, बट अराक्टल के लिए यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी, बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप माका विद अश्वगंधा लीजिए, नहीं तो अगर रियली आपको बैड स्ट्रॉन्ग अराक्टल का प्रॉब्लम है तब आपको ड्रग्स यूज़ करना होगा, वो भी आपके डॉक्टर से पूछ के। और समटाइम ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी मेडिसिन ड्रग्स यूज़ करें जिसमें आपको हो गया लाइक डिप्रेशन का टैबलेट्स हो गया, आपके ब्लड प्रेशर का टैबलेट हो गया, हार्ट का हो गया, वो भी आपके अरेक्शन को कम कर सकते हैं। तो आपको पूरा स्टडी करना अपने लाइफ को, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्लीप पे बहुत कहता हूँ, स्लीप, एक्सरसाइज, हेल्थी फूड, ये चीज़ आप करें, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑयल अगर यूज़ करते हैं तो ऑलिव वर्जिन ऑयल यूज़ कीजिए। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन, यू फ्री टू आस्क मी, स्टे सेफ, थैंक यू।